sınava diyor, sınava. Ye karma ne sınava? Sınava ne diyor bu diye, bu bir insan kitap diyor, sınava ne gel? Kuşte. Sınava ne gel? Cinnat he. Sınava ne gel? Cennet he. Sınava ne gel? Rızık he. Sınava ne gel? Arş ve sınava ne gel? Kursi he. तो जमीन से उठकर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक आसमान और आसमानों में जो कुछ है वो भी इंसान के ताबे हैं। ये सब फजीलत इंसान को क्यों मिली सोच नहीं है कि आखिर इंसान ने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है कि जिस कारनामे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इतना इनाम और इकराम इसके ऊपर किया कि पूरी कायनात इसके ताबे हो गई, पूरी कायनात इसकी खिदमत में मसरूफ है और इनकार नहीं कर सकते। कभी नहीं किसी ने देखा किसने ने इनकार किया हो कि साहब मैं तो जमीन के फला खत्ते पर कदरू दूंगा, फला खत्ते पर दूंगा, नहीं निकाल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चांदनी ये कहो कि साहब मेरी चांदनी से तो वो लोग मुस्तफीद हो सकते हैं जो लोग मेरी खिदमत करें, मेरी तारीफ करें। ये एक मखसूस कोई गिरोह है जो मेरी खिदमत में मुस्तफीद हो सकता है। पानी ने कभी इनकार नहीं किया, हवा ने कभी इनकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि हर इंसान के अंदर जो जिंदगी दौड़ रही है उस जिंदगी ने कभी इनकार नहीं किया। ये जो इतना बड़ा अल्लाह ताला ने करम किया है इंसान के ऊपर, इसकी क्या वजह है? और जब इतना बड़ा इनाम और इकराम अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर किया है तो अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहता है? सारी कायनात को इंसान के लिए मुसख़र कर दिया, सारी कायनात को इंसान की खिदमत गुजारी में मसरूफ कर दिया, सारी कायनात को इंसान के लिए पाबंद कर दिया। अगर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो किया है अपने रहमत से, अपने इकराम से, अल्लाह ताला इंसान से क्या चाहते? और अगर अल्लाह ताला इंसान से कुछ चाहते हैं तो उस चाहने की बुनियाद भी इंसान के अंदर है, वो क्या? तो आप बड़ा समय और करेंगे, ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब कोई किसी पर इनाम और इकराम की बख्शिश करता है तो उसका एक मकसद होता है, वो ये कि वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है और उससे कुर्बत हासिल करना चाहता है। मतलब आप किसी साहब के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी जरूरियात की हिफाजत करते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि ये बंदा इसकी तुम इतने खिदमत कर रहे हो, हर किस्म के इसके साथ काम कर रहे हो, क्यों कर? आप ये कहेंगे तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे खिदमत करता हूं। और जाहिर है जब आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी चाहते हैं वो बंदा आपसे करीब हो, जब अच्छा लगेगा तो कुर्बत होगी। तो सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला इंसान से चाहते हैं कि इंसान अल्लाह का दोस्त बनकर रहे और इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो। ये सारे इनाम इकरामात जो है वो इस वजह से कि इंसान कभी तो नाशुकरा भी है, गुफरान नेमत भी देता है, जालिम भी है, जाहिल भी है, बेअक्ल भी है, कभी
इसका ध्यान इस तरफ जाएगा कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती कि जिसने पूरी कायनात को मेरे लिए खादिम बना दिया, वो अल्लाह कौन है जिसके इतने इनाम को इतना मानते हैं, वो अल्लाह कौन है, क्या हस्ती है, उससे क्या चाहती है, क्यों मेरे ऊपर इतने इनाम और इकराम उसने किए। जब वो हस्ती आपके जहन में आ जाएगी, पहली बात तो ये कि यहां आदमी पैदा होता है 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जिंदा रहता है, पानी भी पीता है, सूरज और चांद से भी फायदा उठाता है, जमीन के अंदर से पैदा होने वाली तमाम अशिया को इस्तेमाल भी करता है, सोता भी है, जागता भी है, शादी भी करता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता कि ये सब कुछ कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका सैन ही कभी अल्लाह की तरफ नहीं जाता। ये जहन की जहन का अल्लाह की तरफ न जाना ही जुल्म और जहालत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरदनल अमानत अल समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने अपनी अमानत समावात को पेश की, जमीन को पेश की, पहाड़ों को पेश की, सबने इंकार किया और इंकार की बुनियाद ये बताई आसमानों ने भी, जमीन ने भी, पहाड़ों ने भी कि हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि हम आपकी इस अमानत को अपने नातवां कंधों पर उठा सकें। और इंसान ने इस अमानत को उठा लिया, वो हमारा इंसान बगैर सोचे समझे उठा लिया उसने, इन लोगों का न जरूर मन चाहूंगा, बेशक इंसान चाहे जाने को चाहे रजार ने ये इसलिए फरमाया कि अमानत से मुराद सलाहियत, अमानत से मुराद सकत, अमानत से मुराद जहरी इस्तेदार, अमानत से मुराद रूह की ताकत, अमानत से मुराद कुव्वत प्रवास, ऐसी कुव्वत प्रवास जब इंसान उस कुव्वत प्रवास से वाकिफ हो जाता है तो सातों आसमानों से गुजरकर अर्श से भी ऊपर निकल जाता है, वो सलाहियत इसने बगैर सोचे समझे कबूल कर ली। अब वो बगैर सोचे समझे सलाहियत को कबूल कर ली लेकिन कभी उस तरह सोचता नहीं, यानी अमीन है अल्लाह ताला कायनात में वाहिद मखलूक है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला की अमीन है, खालिक कायनात की अमीन है। और इस अमीन मखलूक की हालत यह है कि वो दुनिया के कीचड़ में तो लग तक हो सकता है लेकिन कभी इसका जहन उस अमान की तरफ कभी नहीं, आर्मी जिंदगी पर मस्त है, पैसा दौलत सोना चांदी बच्चे बीवी सब कुछ इसी को अपनी जिंदगी समझता है, जबकि इसकी जिंदगी की असल जो है वो अमानत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की और कायनात में किसी दूसरी मखलूक को ये सलाहियत हासिल ही नहीं है। वो मखलूक जिन्नात हो, मखलूक फरिश्ते हो, वो मखलूक आलमीन में जो दुनिया है उनमें से कोई भी मखलूक हो, वहां भी दूसरी दुनिया में भी अमीन इंसान ही है, दूसरी दुनिया में भी अमीन इंसान की दावत को